बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं FPSC SST के पेपर में से इंग्लिश का जो पार्ट है उसके जो MCQs हैं इंपॉर्टेंट जो कि SST में पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो लोग। सो फर्स्ट वन इज़ द बुक इज़ डैश द टेबल, द बुक इज़ ऑन द टेबल, शी वॉक्ड डैश द पार्क, शी वॉक्ड थ्रू द पार्क आएगा, द सिटी इज़ लोकेटेड डैश द रिवर, द सिटी इज़ लोकेटेड ऑन द रिवर आएगा। ओके, आप में से जो लोग चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कार्डनी मेरा चैनल ASPSC गाइड एंड इंग्लिश प्रिपरेशन को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। वीडियो को लाइक कीजिएगा और सबसे शेयर कीजिएगा। आपको इस चैनल पर PPSC और FPSC इंग्लिश लेक्चरर की कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। नेक्स्ट फोर्थ वन इज़ ही इज़ स्टैंडिंग डैश द डोर, ही इज़ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। पांचवा MCQ है द पिक्चर इज़ हैंगिंग डैश द वॉल, द पिक्चर इज़ हैंगिंग ऑन द वॉल आएगा। नेक्स्ट इज दे सेल्ड डैश द ओशन, दे सेल्ड अक्रॉस द ओशन आएगा। नेक्स्ट इज द होटल रूम हैड अ व्यू डैश द सिटी, द होटल रूम हैड अ व्यू ऑफ द सिटी करेक्ट ऑप्शन है। शी सैट डैश द एज ऑफ द बेड, शी सैट ऑन द एज ऑफ द बेड। नौवीं MCQ है द ब्रिज स्पैन्स द डैश द रिवर, द ब्रिज स्पैन्स अक्रॉस द रिवर जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इज ही ड्रोव डैश द स्पीड लिमिट, ही ड्रोव विद इन द स्पीड लिमिट आएगा, मीन्स कि उसने स्पीड लिमिट के अंदर रहते हुए ड्राइविंग की। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये जो सेंटेंस है ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, और अगर हम टेंस के हवाले से अगर हम इसे आइडेंटिफाई करें तो दे प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस है। विच टाइप ऑफ सेंटेंस आस्क्स अ क्वेश्चन, जिस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज़ कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस क्लोज द डोर, क्लोज द डोर जो है ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है जिसमें हम कमांड देते हैं, ऑर्डर करते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं। 14 MCQ है विच टाइप ऑफ सेंटेंस एक्सप्रेस्ड थ्रू इमोशंस, वो कौन से सेंटेंस होते हैं जिसमें हम इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं, दैट आर कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, जो कि इंटरजेक्शन की टाइप में है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे जो है ये एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। विच टाइप ऑफ सेंटेंस स्टेट्स अफेक्ट और ओपिनियन, दैट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस डू योर होमवर्क, इट मीन्स इम्पेरेटिव, जो अभी हमने डिस्कस किया है पहले जिसमें हम कमांड और ऑर्डर करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज यूज टू गिव कमांड्स आर इंस्ट्रक्शंस, अभी डिस्कस किया दैट इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस इज द वेदर नाइस टूडे, दैट इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज यूज टू मेक अ स्टेटमेंट आर डिक्लेरेशन, दैट इज कॉल्ड अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस शी ईट्स ब्रेकफास्ट, जो टाइप्स दी हुई हैं हमें फंक्शन की दैट इज सिंपल सेंटेंस, नॉट कंपाउंड कम्प्लेक्स आर कंपाउंड कम्प्लेक्स। विच सेंटेंस इज अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ अ सिंपल सेंटेंस, द सन राइजेज इन द ईस्ट जो है ये सिंपल है, बिकॉज ए ऑप्शन में आई वेंट टू द स्टोर एंड आई बॉट मिल्क, ये कंपाउंड है। ऑल दो इट वॉज रेनिंग आई स्टिल वेंट आउटसाइड, ये कम्प्लेक्स है। आई स्टडीड फॉर द एग्जाम बट आई स्टिल फेल्ड, ये भी कम्प्लेक्स है। सो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस आई वेंट टू द शोर एंड आई बॉट मिल्क, दैट इज अ कंपाउंड सेंटेंस, अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया है। नेक्स्ट इज विच सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड सेंटेंस, आई वेंट टू द शोर एंड आई बॉट मिल्क, ये कंपाउंड सेंटेंस है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस ऑल दो इट वॉज रेनिंग आई स्टिल वेंट आउटसाइड, दैट इज़ अ कम्प्लेक्स, अभी ऑप्शन में डिस्कस किया था। विच सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कम्प्लेक्स सेंटेंस, ऑल दो आई स्टडीड हार्ड आई स्टिल फेल्ड द एग्जाम, बिकॉज फर्स्ट ऑप्शन जो है वो कंपाउंड है, बी ऑप्शन जो है वो सिंपल है, डी ऑप्शन भी सिंपल है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है कंपाउंड सेंटेंस के एग्जाम्पल में। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस ऑल दो आई स्टडीड हार्ड आई स्टिल फेल्ड द एग्जाम एंड आई वॉज डिसअपॉइंटेड, अब जो कंपाउंड कम्प्लेक्स होता है उसमें दो इंडिपेंडेंट और दो और एक एक जो है वो डिपेंडेंट क्लास होती है, तो इसमें ये कंडीशन पूरी उतर रही है, दैट इज कॉल्ड अ कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट इज अ विच सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ
कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस दैट इज़ ऑल दो आई स्टडीड हार्ड आई स्टिल फेल्ड द एग्जाम एंड आई वॉज डिसअपॉइंटेड. नेक्स्ट इज़ विच फिगर ऑफ स्पीच कम्पेयर्स टू अनलाइक थिंग्स. जो फिगर ऑफ स्पीच जो है डायरेक्टली कंपेयर करते हैं टू अनलाइक थिंग्स को विदाउट चूजिंग लाइक और एज दैट इज़ कॉल्ड मेटाफर. हियर एंड लाइक आ चीता इज़ एन एग्जांपल ऑफ. ये जिसमें हम लाइक और एज का वर्ड यूज़ करते हैं दो अनलाइक चीज़ों का कंपैरिजन करने के लिए दैट इज़ कॉल्ड अ सिमिली. विच फिगर ऑफ स्पीच गिव्स ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़ टू नॉन ह्यूमन एंटिटीज़ दैट इज़ कॉल्ड अ पर्सोनिफिकेशन. नेक्स्ट इज़ द सन स्माइल्ड डाउन ऑन अस इज़ एन एग्जांपल ऑफ. ये एग्जांपल है पर्सोनिफिकेशन की, जब हम इन एनिमेट चीज़ों को एनिमेट करेक्टरिस्टिक देते हैं. सन को हमने स्माइल इंसानों वाली करेक्टरिस्टिक दी, इट मीन्स दैट इज़ कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. नेक्स्ट इज़ विच फिगर ऑफ स्पीच रिपीट्स इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स दैट इज़ कॉल्ड एन एलिट्रेशन. द लास्ट वन इज़ द बुजंग बी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ. बुजंग बी जो है एग्जाम्पल है एलिट्रेशन की, बी बी रेपिटेशन है. आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.